आज जो ग्रुप नंबर 56 का सीईटी का एग्जामिनेशन हुआ है उसके 41 क्वेश्चन ज्यों के त्यों रिपीट थे कल वाले 57 ग्रुप के पेपर से। ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूं मैं, ये ग्रुप नंबर 57 का कल का पेपर है सारा मैंने निकलवाया है, और ये ग्रुप नंबर 56 का पेपर है पूरा का पूरा। ये जो दोनों के दोनों निकलवाए हैं इसको बैठ के पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलाया है सब कुछ। इसमें कुछ भाइयों ने मदद भी की तो उनका क्लेम भी वेरीफाई किया है, एंड देन रिपीट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना दी थी जो डाल दिया था मैंने पेज के ऊपर ही, राइट। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत जबरदस्त गंभीर मसला है। 41 क्वेश्चन रिपीट होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। अचानक से क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं क्या? और हर बार रिपीट हो जाते हैं क्या? हर बार ऐसा फॉल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन कैसे हो सकता है? अभी हमने देखा था कि एचसीएस प्रीलिम्स में भी 38 क्वेश्चंस रिपीट थे, ज्यों के त्यों डिट्टो। लेकिन वो क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था तो अपना एग्जाम करवाने में वो निकलवाने में वो पास हो गए, और अब उनका मेंस भी हो रहा है। लेकिन यहां तो मेरिट डिसाइड होनी है, इस पेपर से कैसे करेंगे आप? इतना बड़ा हरियाणा के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ मजाक, खिलवाड़। सब कुछ क्यों किया आपने, क्यों कर रहे हैं आप? जस्ट अ मोमेंट, मुझे देना पड़ेगा। हेलो सर, मैं लाइव हूं अभी फेसबुक पे, आई विल कॉल यू इन अ वाइल। ऐसे हो जाते हैं क्या, ऐसे खिलवाड़, ऐसे ही मजाक हो जाते हैं? आई एम सॉरी, ये बीच में कॉल आ गया था। ऐसे नहीं होते हैं, ये सोची समझी साजिश है। ये एक प्रयोग करके देखते हैं कि अच्छा वहां पे रिपीट करे, और वहां पे ज्यादा से बच्चे नहीं बोले, पेपर करवा दिया, चलो यहाँ पे भी करवा देते। वहां कम से कम एक साल पहले का पेपर दिया था, यहाँ तो 24 घंटे का तुमने उठा के दे दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने बदल दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर तुम लोग 41 क्वेश्चन दे रहे हो सेम टू सेम। सबसे गंभीर जो एक और इशू है इसके अंदर, ना केवल क्वेश्चन रिपीट का बल्कि ये भी है कि 57 ग्रुप का जो पेपर था वो 12वीं बेस्ड था, 56 ग्रुप वाला ये ग्रेजुएशन बेस्ड है। दोनों पेपर का स्टैंडर्ड एक जैसा कैसे हो सकता है? वहां पे आप 12वीं बेस्ड नौकरियां देने वाले हो, यहां 57 में आप ग्रेजुएशन बेस्ड नौकरियां देने वाले हो, एक ही जैसा स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? हर बार फॉल्ट एग्जामिनर सिलेक्शन कैसे हो सकता है? क्या ये पेपर एक ही एग्जामिनर ने बनाया है? यदि एक ही एग्जामिनर ने बनाया है तो बड़ा बेवकूफ एग्जामिनर है कि कॉपी कर दिए उसने 2 दिन के पेपर ऐसे। और यदि 2 एग्जामिनर हैं तो एक ही कुंजी से बना रहे थे क्या? एक ही जगह से पेपर देख के बताया बनाया है, मतलब कुंजी किसने प्रोवाइड करी है जो बताया है कि इस कुंजी में से बनाना है, और वही कुंजी अपने चहेतों को दे दी गई होगी कि तुम भी इसी में से पढ़ लेना, इसी में से पेपर आएगा। ये जो हरकतें कर रही है हरियाणा सरकार और कमीशन, ये बिल्कुल गलत है। इस घटिया से पेपर के लिए तुम रात को 11 बजे कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे, इस घटिया पेपर के लिए तुमने 3.25 लाख बच्चों को खून के आंसू रुलाया, इस पेपर की दुहाई दे रहा था क्या ये कमीशन और सरकार? इस पेपर के लिए डिप्टी सीएम साहब का कल हम भाषण सुन रहे थे कि कैसे वो युवा हितैषी बन रहे थे, और कैसे उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया रातों रात, फिर सुबह 8 बजे पहुंच के उन्होंने पता नहीं क्या कर, बातें इतनी बड़ी बड़ी, काम ऐसे। इनएफिशिएंसी नहीं है ये स्कैम है, ये डेलिबरेट है, ये जानबूझकर आप करते हैं, जानबूझकर हमेशा फॉल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन, जानबूझकर इतनी सारी गलतियां, ये सब कुछ जानबूझकर होता है, हमेशा नहीं होता। गलती एक बार होती है, इनएफिशिएंसी एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, चलो तुम्हारे केस में 50 बार है, 100 बार है, 1000 बार होती है क्या? नहीं होती है, फिर तो ये साजिश होती है, और ये साजिश ही है। मेरी मांग है इस पेपर को तुरंत रद्द किया जाए। यदि सरकार में थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है ना, तो सुओ मोटू आके सामने इस पेपर को रद्द कीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब, सारे हरियाणा के बच्चों से माफी मांगिए, बैठ के यहां पे कहिए कि आपने 4 साल तक उनका जीवन नरक बना के रखा,
उनको कहा कि सीईटी में तुम्हारा पेपर लेंगे, अलग अलग ही पेपर करवा लेते, सब बच्चे बैठ तो जाते, फिर सीईटी क्वालिफाई नहीं किया, फिर त्रुटियों के साथ पेपर करवाया, इतनी जल्दबाजी मचा दी। बच्चे कह रहे हैं सर त्रुटियां हैं, नहीं हम तो पेपर करवाएंगे। अरे सर सोशियो इकोनॉमिक के गलत अंक जुड़े हैं, नहीं हम तो पेपर करवाएंगे। अरे सर सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं जोड़े हैं आपने, मैं क्लेम कर रही हूं फिर भी पेपर करवाएंगे। अरे सर एडमिट कार्ड नहीं है फिर भी पेपर करवाएंगे, और पेपर ऐसा रद्दी करवाएंगे जिसका कोई लेवल नहीं। सरकार का ही एक्चुअली ना स्टैंड है ना स्टैंडर्ड है, जीरो है, एकदम जीरो सिस्टम आपका, जीरो कतई जीरो, बातें बातें सिर्फ, कोरी खोखली खाली बातें और कुछ नहीं, सब्सटेंस जीरो। इतने सारे इंटरव्यूज हम देखते हैं, इतने सारे कमीशन की ओर से जारी हो रहे हैं, सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और भाषण डिप्टी सीएम साहब का, अरे 11:30 बजे कोर्ट के आगे बच्चे बाहर बैठे हैं, पता नहीं एग्जाम हो रहा है नहीं, और सारे हरियाणा के बच्चों का पागल बना दिया। जिसका पेपर है उसे नहीं पता, जिसका नहीं पेपर है उसको तो खैर आस में बैठे खून के आंसू रुलाया है, ये मैं सच बोल रही हूं, झूठ नहीं बोल रही हूं, खून के आंसू रोए हैं बच्चे आपकी नीतियों के कारण, आपकी गलत पॉलिसीज के कारण, और उन गलत पॉलिसीज को स्टेज पे चढ़ के ऐसे ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया सरकार। बनती है युवा हितैषी, आप हो युवा विरोधी, हर बार पेपर लीक नहीं होता है, ये जो पेपर लीक का नया तरीका ढूंढ रखा है ना कॉपी पेस्ट, इसको बंद करो तुरंत, माफी मांगो बच्चों से आके, कहो कि भविष्य उनका उजाड़ा है, एक्सेप्ट करो इस चीज को आके कि भविष्य उजाड़ रहे हो। आपकी क्या मंशा है बच्चों को नौकरी देने की? बिल्कुल भी नहीं है आपकी मंशा बच्चों को नौकरी देने की, यदि होती तो पिछले 4 साल में भी नौकरियां दे रहे होते, लेकिन अब ये क्या किया है कि चलो HCS निकल गया 38 क्वेश्चन के साथ, ये भी निकाल देते हैं, है ना। इसे इनएफिशिएंसी बिल्कुल मत कहिए, इसे ये मत कहिए कि ये अचानक से ऐसे ही हो गया, एक एग्जामिनर ने बनाया है तो भी गलत है, और दो एग्जामिनर ने बनाया तो सोचो क्या सोच साठ गांठ करके बना रहे थे पेपर। और सरकार की ये देखो कितनी बेशरम सरकार है, कितनी बेशरम, कितनी नकारा निर्लज ये लोग हैं कि अब तक न सीएम साहब का कोई बयान है न डिप्टी सीएम साहब का कोई बयान है, कल तो बड़ा छाती ठोक के बोल रहे थे, आज कहां चले गए, आज कौन जिम्मेदारी लेगा, आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, आज कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलोगे, नहीं बोलने से समस्या खत्म हो जाती है क्या? समस्या तो सामने खड़ी है, क्या करना चाहते हैं इस पेपर के साथ, इसको धकाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा, पेपर तो आपको रद्द करना पड़ेगा। आप बेशरम है खुद नहीं करेंगे तो कोर्ट जाके करवाएंगे, बच्चे करना तो पड़ेगा, और यहां तो जो बच्चे ऑलरेडी पेपर दे रहे थे वो खुद तैयार हैं कोर्ट जाने के लिए। पेपर रद्द कीजिए, बच्चों से माफी मांगिए, इस कमीशन को भंग कीजिए, चेयरमैन और मेंबर्स को सबको सस्पेंड कीजिए, इंक्वायरी बिठाइए, एग्जामिनर जो है उसको ना केवल ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसे कॉन्विक्ट किया जाए, उसे खड़ा किया जाए कटघरे में सबके सामने, पता चले हमें कौन है कौन नहीं है वो, उसे सजा दिलवाई जाए। स्टेट एक्सचेकर का पैसा फालतू है क्या? ये फालतू एग्जाम करवाने के लिए लिया हुआ है आपने, रखा हुआ है, स्टेट पागल है क्या इन चीजों के लिए पैसा भरे जा रहा है, ये सब चीजें करने के लिए, ये सारी हैं, मैं कह रही हूं आपको ये इनके प्रयोग हैं और कुछ नहीं है, ये सारे कर करके देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी कितना धैर्य और बाकी है, वो भी इन बच्चों का खत्म करवा दो, राइट ये सब हो रहा है। तो हमारी मांग क्या है, पेपर भंग कीजिए, ये पेपर रद्द कीजिए, सॉरी माननीय मुख्यमंत्री साहब उप मुख्यमंत्री साहब आके पूरे हरियाणा के युवा से माफी मांगिए, कमीशन को भंग कीजिए, कमीशन के चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर सबको बर्खास्त कीजिए, इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए, एग्जामिनर को ना केवल कॉन्विक्ट किया जाए, ना केवल ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, और सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इसी के चलते बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे केसेस, सब कुछ आ गया है, सारा हरियाणा का युवा आपके विरोध में खड़ा हो गया है,
जिसे आप इतना ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं कि आपने युवाओं के लिए पता नहीं क्या कर दिया है, तो असल में जमीन पर उतरें, सीईटी क्वालिफाइड युवाओं से बात करें, तो आपको सच्चाई पता चलेगी, जमीनी हकीकत पता चलेगी कि आप बच्चों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपको ये पता चलेगा, और आपको ये पता चलना जरूरी है, वरना आप अपने ही ख्याली पुलावों में, अपने ख्याली महलों में बंद रहेंगे और उसी में सोचते रहेंगे पता नहीं आपने बच्चों के लिए क्या कर दिया। या फिर जो आपने सीटी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स इशू किए हुए हैं इन बच्चों को, उसके ऊपर सीटी फेल लिखवा दें, ताकि बच्चों को भी सबर आ जाए कि भैया हम फेल हो गए थे इसलिए नहीं बैठे। लेकिन क्वालिफाई लिख के फिर भी उन्हें पेपर में न बैठने देना, इससे बड़ा गुनाह ये सरकार नहीं कर सकती थी जो इस सरकार ने किया। ये जो पेपर लेने का आप नाटक कर रहे हैं, नाटक ही कहूंगी मैं, क्योंकि इस रद्दी से पेपर के लिए आप 11:30 बजे कोर्ट के आगे खड़े थे, 11:30-11:30 बजे इस पेपर के लिए आपने ये सारा का सारा ड्रामा रचा, इस रद्दी से पेपर के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये नाटक करने की बजाय सीधे सीधे अपने चहेतों को भर्ती कर दीजिए जिनको करना चाहते हैं, लगा दीजिए उन्हें जहां लगाना चाहते हैं। इस नाटक की जरूरत क्या है, इस दिखावे कोई जरूरत नहीं है जी, हमें सब पता है, सब पता चल रहा है, बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बच्चों के सपने, भविष्य, करियर, सब कुछ, ये तो टॉपर्स थे, ये तो सो कॉल्ड जो पेपर दे रहे थे आज, 41 क्वेश्चन इनके रिपीट हुए हैं। ये बच्चे कुछ कुछ लिख रहे हैं सस्पेंड एचएसएससी चेयरमैन, मैं मांग चुकी हूं भाई इस चीज को। तो हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री साहब, सीधे आपसे बात करूंगी, और उप मुख्यमंत्री साहब आपसे भी, आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही होगी, यदि थोड़ी सी भी शर्म इस सरकार में बाकी है तो आप सो मोटो इस पेपर को रद्द करें। एचएसएससी चेयरमैन मेंबर्स को सस्पेंड करें, माफी मांगे, सीईटी को क्वालिफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।